रिसेंटली बंगाल में संदेश खाली में कितना बड़ा कांड हो गया आपको तो पता है। तो संदेश खाली एक बहुत ही सेंसिटिव लोकसभा के लिए सेंसिटिव सीट है। तो संदेश खाली लोगों का हमेशा ये कंप्लेन था कि हमें हमेशा सेलिब्रिटी जैसा सांसद मिलता है जो कभी आते ही नहीं। साल में जब वो इलेक्शन आता है तभी वो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोग हमें सिर्फ होप दिखाने के लिए आते हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमको वो सेलिब्रिटी वाला सांसद अभी नहीं चाहिए। तो कितना सारा कॉम्प्लेन संदेश खाली की लोगों की था। तो संदेश खाली की लोगों की ये बस आरजी था कि हमारा कॉम्प्लेन किसी ना किसी पार्टी तो सुने। तो आखिर बीजेपी ने लिस्ट उतर दिया। तो बीजेपी ने इस बार कौन सी सेलिब्रिटी को संदेश खाली में लाके खड़ा कर दिया? क्या वो कैंडिडेट से संदेश खाली की लोग खुश है कि नहीं है? फिर इसको लेकर भी बहुत सारा दंगा होगा कि नहीं होगा? तो आइए ब्रीफली जाने से पहले, नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो बुलेटिन पूर्णिमा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बंगाल की संदेश खाली में जो मुद्दा हुआ हाल ही में, साजन शेख कितना टॉर्चर किया वुमेन के साथ, गरीब के साथ, जमीन जगह सब छीन लेते थे, कितना टॉर्चर करते थे महिलाओं के साथ, ये तो आपने देखा ही है, पूरा दुनिया देख लिया। तो उस संदेश खाली में लोग हमेशा बोलते थे हमें सेलिब्रिटी जैसा सांसद क्यों मिलते हैं जो हमें हमारे पास आते ही नहीं। और वो सांसद भी बड़ा चालाक होते थे, क्योंकि उसको तो पता है संदेश खाली जैसा गांव डेवलप हुए ही नहीं, उनको क्या ही चाहिए, बस उनको होप दो कि हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको बहुत डेवलप कर देंगे, सड़कें देंगे, घर देंगे, शौचालय देंगे। तो यही होप दिखा दिखा के, होप दिखा दिखा के संसद वोट ले लेते थे। और बेचारा संदेश खाली की लोग उसको क्या ही है, उसके तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं लोगों के पास। तो उनके पास उम्मीद है शायद इस संसद ने अच्छा होगा, शायद इस सेलिब्रिटी ने अच्छा ही किया होगा, शायद कुछ कर देंगे, लेकिन वो लोग हमेशा ही निराश होते थे। उसके पास कोई सेलिब्रिटी संसद जाते भी नहीं और उसका डेवलप भी नहीं होता, और सजान जैसा लोग उसको लूटते हैं। लेकिन उसको जब लूटते हैं, आप देखो हमारी बंगाल की सीएम एक बार भी संदेश खाली गए तक नहीं, उसको पूछा तक नहीं आप किसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो लोग डिनाइंग मूड में बहुत ज्यादा चले जाते हैं टीएमसी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सभी लोग सच बोल रहा है क्या, एक आपको सच कुछ हुआ होगा। अरे एक जन के साथ भी कुछ हुआ है ना, मोलेस्टेशन या फिर कुछ भी गलत काम एक लोग के साथ भी हुआ है ना, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और यह तो हजारों महिलाओं आके रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हमको सेलिब्रिटी जैसा सांसद नहीं चाहिए। और सेलिब्रिटी सांसद तब बोलते हैं, देखो हम तो सेलिब्रिटी है, हमको राजनीति के बारे में उतना नहीं पता। भाई आपको नहीं पता है इतना पुअर गांव है, क्यों इस गांव में आप सेलिब्रिटी होके सांसद होके खड़ा हो जाते हो, फिर जीत भी जाते हो उन लोगों को झूठा झूठा उम्मीद दिखा के, उसको डेवलप भी कुछ कर देना चाहिए था आपको। खैर आगे चलते हैं। बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल में सीट उतर दी, मतलब कैंडिडेट उतर दिया। लोगों को यही देखना था कि बीजेपी इस बार संदेश खाली में कौन सा बड़ा सेलिब्रिटी को ला रहे हैं, कौन सा मोहम्मद शमी को ला रहे हैं कि वो एक्चुअल में संदेश खाली की दुख दर्द समझ पाएगी कि नहीं। तो ये सब कुछ मुद्दे पे नजर रखते हुए बीजेपी ने कल अनाउंस कर दिया। पता है आपको संदेश खाली में किसको उतारा? जो संदेश खाली में रहते हैं, जो माँ बहन पीड़ित हुए हैं ना, उसी के अंदर एक महिला को खड़ा कर दिया, रेखा पात्र उसके नाम लड़की की, महिलाओं की, उसको खड़ा कर दिया संदेश खाली में। आप सोच सकते हो जहां हमारे सीएम गए तक नहीं, ममता दीदी, ममता बनर्जी, वो भी एक वुमेन है, लेकिन वहां पीएम की सोच क्या है? पीएम ने ऐसे ही सोचा होगा, मोदी जी ने सोचा ही होगा कि संदेश खाली की जो दर्द दुख है वो कौन समझ पाएगा सबसे अच्छा? संदेश खाली में जो रहते हैं, जो पीड़ित महिला है, वही तो सबसे अच्छा समझ पाएगा। तो इसीलिए उसको खड़ा कर दिया। तो हम भी उम्मीद करते हैं इस बार संदेश खाली से रेखा पात्रो ही जीतेगी। तो हम भी प्रे करेंगे। प्रे क्या, देखो संदेश खाली की लोगों को भी हम ये बोलना चाहते हैं,
आप लोगों को तो पता ही है कौन आपके लिए सही है। आपकी एक बहन, आपकी एक माँ, आपकी एक बेटी आपकी संदेश खली से खड़ा हो रहा है, इससे सोने पे सुहागा और क्या हो सकते हैं। तो आप लोग शायद उसी को ही वोट देंगे, और सब लोग चाहते भी थे कि ऐसे ही कोई सांसद, ऐसे ही कोई कैंडिडेट अब हमारे बीच आ जाए कि वो हमारी बिल्कुल हमारी करीब होगी, हमारी बात सुनेगी, हमारी उसको हमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि साल में एक बार आया, दो बार आया, आप हमें वोट दो, हम आपको सब कर देंगे। लेकिन अब तो रेखा जी, रेखा पात्र जी उतर गई है, मतलब वो कैंडिडेट है, बीजेपी ने उसको खड़ा कर दिया। बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही मतलब बीजेपी ने सोच समझ के ये काम करते हैं। आप देखो देश के लिए, राज्य के लिए कौन सही है, कौन ग्राउंड लेवल पे आके आपके साथ खड़ा होता है। यही नहीं चाहता कि हम माँ माटी मानुष है, बोलने से आप माँ माटी मानुष नहीं हो जाते हो, करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे आना पड़ता है। कैंडिडेट तो उतर दिया बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में, दो तीन अभी भी बाकी है, वो स्ट्रेटेजिकली देख रहा है किसको कहाँ पे फिर उतरना चाहिए। उसमें अगर कोई धमाका है तो मैं, अगर मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो वो मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन फिलहाल जो सेंसिटिव मुद्दा था संदेश खली, जिसके ऊपर पूरा इंडिया की आंखें थी, इंडिया की निगाहें थी, कि देखना चाहती थी वो कि संदेश खली से बीजेपी ने कौन सा सेलिब्रिटी लाते। लेकिन जी नहीं, इस बार कोई सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी उस गांव से अब पैदा की, मतलब सेलिब्रिटी उस गांव से अब चुन लिया गया। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। तो उम्मीद करते हैं आप भी सोच समझ के वोट दीजिए, आपका एक वोट भी बहुत कीमती है हमारे देश के लिए। और आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय श्री राम।